हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। कोरोना की वजह से काफ़ी मज़े हो गए इस पीरियड में। इतनी छुट्टियां तो कभी आई नहीं जितनी इस बार हमें मिली हैं। और सबसे बढ़िया चीज़, इस बार आप बिना एग्ज़ाम दिए पास हो के नेक्स्ट ईयर में और प्रमोट हो चुके हैं। चलो कोई नहीं, ये तो कोरोना का इफेक्ट है, बट काफ़ी गैप लग गया तो अब हम वापस शेड्यूल पे आ जाते हैं, पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। तो फाइनल ईयर का सबसे पहले मैं आपको सिलेबस डिस्क्राइब कर दूं ताकि आपको पता रहे कि आपके कौन कौन से पेपर हैं। ठीक है, देखो फाइनल ईयर में आपके तीन फिजिक्स के पेपर हैं, जिसमें से आपका फर्स्ट पेपर जो है वो है आपका सॉलिड स्टेट फिजिक्स। सॉलिड स्टेट फिजिक्स, ठोस अवस्था भौतिकी, ये आपका पहला पेपर है। सेकेंड पेपर है आपका न्यूक्लियर फिजिक्स। और थर्ड पेपर है आपका क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, ये आपके तीन पेपर हैं फाइनल ईयर में। ठीक है, सॉलिड स्टेट फिजिक्स आपका फर्स्ट पेपर है, ठोस अवस्था भौतिकी। न्यूक्लियर फिजिक्स नाभिकीय भौतिकी आपका सेकंड पेपर है। और क्वांटम मैकेनिक्स क्वांटम यांत्रिकी आपका थर्ड पेपर है। सेकेंड ईयर की तरह यहाँ भी तीनों पेपर के जो आपके एग्जाम होंगे वो 50-50 नंबर का होगा, 50 मार्क्स का एग्जाम है, तीनों का बराबर वेटेज है एग्जाम में। ठीक है, अब वैसे तो तीनों पेपर का ही बड़ा महत्व है फ्यूचर के हिसाब से। जैसे अगर आप एमएससी करते हैं या एमएससी के बाद आप नेट क्वालिफाई करते हैं या सब्जेक्ट से फिजिक्स से रिलेटेड अगर कोई कंपटीशन देते हैं तो उसमें फाइनल ईयर के तीनों पेपर का बड़ा महत्व है। सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको इन्हीं तीनों पेपर में से मिलते हैं। ठीक है, तीनों पेपर बड़े अच्छे हैं, इंटरेस्टिंग है। क्वांटम मैकेनिक्स के लिए ऐसा कहा जाता है कि ये बड़ा टफ पेपर होता है, सिर के ऊपर से जाता है, कम समझ में आता है। ठीक है, आप लोग ऐसा अगर आपके दिमाग में ऐसा कोई डर हो तो आप लोग ना रखें। हम इसको इस इतने अच्छे तरीके से कंप्लीट करेंगे कि आपको सबसे ज्यादा मार्क्स फाइनल ईयर में इसी पेपर में मिलेंगे। ठीक है, और आपको ये बड़ी इजी लगने वाली है। तो इसी चीज को देखते हुए कि क्वांटम मैकेनिक्स क्या है, थोड़ा सा माइंड पे हल्का सा आपके इफेक्ट डालता है, हम पहले थर्ड पेपर ही स्टार्ट करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स का। ठीक है, तो सबसे पहले हम आज बात करेंगे थर्ड पेपर क्वांटम मैकेनिक्स की। क्वांटम, अब सबसे पहली बात तो वैसे जो पुराने स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं, ठीक है, लेकिन जो नए जुड़े हैं उनके लिए मैं बता दूं कि सबसे पहली बात तो कि ये आपसे क्वांटम की डेफिनेशन पूछी जा सकती है इन फ्यूचर। अगर आपसे कोई बच्चा ही पूछ ले, आप भी फ्यूचर में किसी कंपटीशन में जाओ, आपसे इंटरव्यू में पूछ लिया जाए कि व्हाट इज क्वांटम मैकेनिक्स, तो आप क्वांटम मैकेनिक्स को डिफाइन क्या करने वाले हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम पहले फिजिक्स के डिस्क्रिप्शन पे जाते हैं। देखिए, फिजिक्स की बेसिकली दो ही ब्रांचेज हैं, फिजिक्स की दो ही ब्रांचेज हैं, एक होती है आपके क्लासिकल फिजिक्स और दूसरी है आपके क्वांटम फिजिक्स। क्लासिकल को आप बोलते हो चिरसम्मत भौतिकी, चिरसम्मत, और क्वांटम आपके कहलाती है आधुनिक। ठीक है, अब दोनों में डिफरेंस क्या है, कब हम क्लासिकल फिजिक्स बोलेंगे, कब क्वांटम है, किन चीजों को क्वांटम के अंदर लिया जाएगा, किन चीजों को क्लासिकल के अंदर लिया जाएगा। तो देखो, 19th सेंचुरी से पहले की जितनी भी फिजिक्स है वो सारी की सारी किस में आती है, आपके क्लासिकल में। ठीक है, ये क्या है आपके बिफोर 19th सेंचुरी जितनी भी फिजिक्स है वो सारी की सारी किस में है, आपके क्लासिकल में है। और आफ्टर 19th सेंचुरी जितनी भी फिजिक्स है वो पूरी की पूरी आपके किस में है, क्वांटम के अंदर है। ठीक है, अब देखो ये डिस्क्रिप्शन हमने क्यों दिया, किस आधार पर रखते हुए दिया गया है। आप अभी शायद आपने नाम नहीं सुना है क्वांटम डॉट। क्वांटम डॉट एक टर्मिनोलॉजी है फिजिक्स के अंदर, क्वांटम डॉट। क्वांटम डॉट का मतलब होता है आप बिल्कुल माइक्रो नैनो लेवल पे चले गए हो, हम उस लेवल पर बात कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो चिरसम्मत भौतिकी बिफोर 19th सेंचुरी मोस्टली जितना भी काम हुआ है न्यूटोनियन फिजिक्स के अंदर हुआ है। न्यूटन, आप जानते हैं न्यूटन को फिजिक्स का पितामह कहा जाता है, फादर ऑफ फिजिक्स इज न्यूटन। ठीक है, तो वहां पर जितना भी काम हुआ था आपका किस में होता है,
मैक्रो लेवल में होता है। मैक्रो का मतलब होता है स्थूल स्तर पे, ठीक है, बड़े लेवल पे। लेकिन क्वांटम में जितना भी काम हुआ होता है वो माइक्रो लेवल पे होता है। माइक्रो मतलब आपके सूक्ष्म लेवल पे। अब देखो हमने क्या लिखा है डिस्क्रिप्शन में, बिफोर 19th सेंचुरी क्लासिकल, आफ्टर 19th सेंचुरी क्वांटम, ठीक है। अब देखिए 1894 में इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई जे जे थॉमसन ने की, फिर उसके बाद प्रोटॉन डिस्कवर्ड हुआ, फिर उसके बाद न्यूट्रॉन डिस्कवर्ड हुआ। तो पहले तो हमें सब कुछ दिखता था, फिर जब इनकी डिस्कवरी हुई तो माइक्रो पार्टिकल हैं, हमने आज तक इनको नहीं देखा है। आपको आज तक पता नहीं चलता कि आपके आसपास कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा हो तो आपको पता चल जाए भी मेरे आसपास ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, पता चलता है क्या? नहीं चलता ना। तो हम किस लेवल पे हैं? हम माइक्रो लेवल पे हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, आप कभी भी अगर कोई क्वांटम की डेफिनेशन पूछे कि व्हाट इज क्वांटम, तो क्वांटम व्हाट इज क्वांटम फिजिक्स, तो क्वांटम फिजिक्स क्या है? आफ्टर 19th सेंचुरी जितनी भी फिजिक्स है वो पूरी की पूरी कितनी है? आपके क्वांटम है, ठीक है। आई बात समझ में? अब एक सवाल और उठ के आएगा जब हम काम कर रहे होंगे फिजिक्स के साथ, ठीक है। वो सवाल ये आएगा आपके उठ के कि जब हम काम कर रहे होंगे फिजिक्स में तो कब हम क्लासिकल में हैं, कब हम क्वांटम में हैं, इस चीज को आप एक्सप्रेस कैसे करोगे? समझ में तो आपके आ गया? समझ गए? समझ में तो बता दिया कि मैक्रो लेवल पे है तो हम क्लासिकल में है, माइक्रो में है तो हम ऐसे हैं। लेकिन मैं अगर कहूं कि वो कौन सा फैक्टर है, वो कौन सा सिंबल है जो देख के आपको पता चल जाए कि आप क्वांटम फिजिक्स के अंदर काम कर रहे हो या क्लासिकल फिजिक्स के अंदर काम कर रहे हो, ठीक है। तो देखिए आप याद कीजिए कि क्वांटम की स्टार्टिंग कहां से हुई है, ठीक है। क्वांटम की स्टार्टिंग आपने पढ़ा है पहले भी, प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत पढ़ा है। क्या कहा है प्लैंक ने क्वांटम सिद्धांत में? कि प्रकाश का उत्सर्जन तथा अवशोषण सतत रूप से न होकर छोटे छोटे पैकेट के रूप में होता है, जिसे क्वांटा या फोटोन कहते हैं। द एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट इज टेक्स प्लेस इन द फॉर्म ऑफ सम पैकेट्स एंड ईच पैकेट इज नोन एज क्वांटा और फोटोन, छोटे छोटे पैकेट के रूप में। फिर आपको पता है, और एक पैकेट की एनर्जी प्लैंक ने क्या दी है आपको? E इज इक्वल्स टू एच न्यू, ठीक है। जहां न्यू क्या होती है आपके उस पैकेट की आवृत्ति होती है, फ्रीक्वेंसी, और एच होता है आपके प्लैंक्स कांस्टेंट। एच क्या है आपके पास? प्लैंक नियतांक है, ठीक है। एच होता है प्लैंक नियतांक। अब अगर प्लैंक्स कांस्टेंट है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? E प्रोपोर्शनल टू न्यू, मतलब जो एनर्जी होती है आपके लाइट की वो उसकी फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होती है। तो देखिए ये स्टार्टिंग कहां से हो रही है? क्वांटम की, प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत से, ठीक है। और प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत क्या कह रहा है? E प्रोपोर्शनल टू न्यू। और जब हम प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो क्या लगता है आपके? कॉन्स्टेंट, प्लैंक्स कॉन्स्टेंट। ये जो प्लैंक कॉन्स्टेंट हम एच लिखते हैं यही डिसाइड करता है कि आप क्वांटम में है या क्लासिकल में है। आप देखो क्लासिकल के रिजल्ट याद करो, जब हम क्लासिकल पढ़ते हैं ना आपको कहीं भी प्लैंक कांस्टेंट नजर नहीं आता है। प्लैंक कांस्टेंट जहां आ गया, जहां एच की बात हो रही है, हम प्लैंक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, यूज कर रहे हैं, मतलब हम क्वांटम में हैं, ठीक है। तो प्लैंक कांस्टेंट कैसे डिसाइड कर रहा है या कैसे डिफाइन कर रहा है कि आप क्वांटम में है या क्लासिकल में है, ठीक है। तो इसके लिए हम देखो क्या लिखते हैं, इफ एच इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, ध्यान देना, इफ एच इज नॉट इक्वल्स टू जीरो तो फिर आप कहां पे हो? आप क्वांटम में हो, ओके। एंड इफ एच टेंड्स टू जीरो, टेंड्स टू लिखा है मैंने, इक्वल्स टू जीरो नहीं लिखा है, ध्यान रखना, ठीक है। इफ एच टेंड्स टू जीरो देन हम कहां हैं? क्लासिकल फिजिक्स में हैं, ठीक है। ये नेट में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम्स के इंटरव्यू अगर आप कभी इन फ्यूचर दोगे तो आपको हो सकता है देखने को मिले, इंटरव्यू में बड़ा फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है कि प्लैंक कांस्टेंट कैसे डिसाइड करता है कि आप क्वांटम में हो क्लासिकल में हो, कैसे बताओगे? एच टेंड्स टू जीरो। अब आपके दिमाग में एक और चीज आती है कि देखो प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है? एच इज इक्वल टू 6.62 × 10⁻³⁴ जूल सेकेंड। ऑलरेडी ये वैल्यू बहुत छोटी है, 10⁻³⁴। तो आप यहां टेंड्स टू का मीनिंग ये नहीं निकाले जैसे आप मैथ्स में लेते हैं कि जीरो की ओर अग्रसर है बट जीरो नहीं होगा। नहीं, देखो क्लासिकल में जितने भी ग्राफ मिलते हैं आज तक आपको, वो सारे के सारे ग्राफ कैसे होते हैं? सतत होते हैं, कंटिन्यूअस। टेंड्स टू का मीनिंग क्या होता है? कंटिन्यूअस वैल्यू मिलती है आपको टेंड्स टू में, बिल्कुल जीरो के आसपास, गैप नहीं मिलेगा।
और इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, तो हम कहाँ है, एक फाइनाइट गैप आएगा, एक फाइनाइट वैल्यू मिलेगी जो क्या होगी, मल्टीपल होगी आपके प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू के। ठीक है, आ रही है मेरी बात समझ में? यहाँ टेंस टू का मीनिंग क्या निकलता है, अगर एच टेंस टू जीरो है मतलब काम कैसे हो रहा है, सतत रूप से हो रहा है, सतत रूप से मतलब प्रकाश का उत्सर्जन तथा अवशोषण कैसे हो रहा है, एमिशन एब्जॉर्प्शन कंटिन्यूअसली हो रहा है। और प्लैंक ने क्या कहा है क्वांटम के लिए कि कंटिन्यूअसली नहीं होकर कैसे होता है, छोटे छोटे पैकेट्स में होता है, और एक पैकेट को क्या बोलते हैं, क्वांटा या फोटोन। तो एच टेंड्स टू जीरो है तो हम कहाँ हैं, क्लासिकल के अंदर हैं, और एच इज नॉट इक्वल्स टू जीरो है तो हम कहाँ हैं, क्वांटम के अंदर हैं। तो प्लैंक कॉन्स्टेंट डिसाइड करता है जब हम काम कर रहे होते हैं, तो इसकी हेल्प से या इसको देख के हमें पता चलता है कि हम क्लासिकल में हैं या हम क्वांटम में हैं। ठीक है, पॉज कर। अब देखिए आपके दिमाग में कुछ चीजें राइज होती हैं, आप सोचते हैं कि भाई सब कुछ जब चल रहा था ठीक ठाक, सारा काम हो ही रहा था बड़ी आसानी से, तो हमें फिर किस चीज की जरूरत ही क्यों पड़ती है। जैसे हम क्लासिकल फिजिक्स में ऑलरेडी थे, हम बात कर ही रहे थे, ठीक है, पहले भी सारे एक्सपेरिमेंट हो रहे थे, डिस्कवरीज हो रही थी, सारा काम हो रहा था, तो ऐसी जरूरत क्या आन पड़ी कि आपको क्वांटम में आना पड़ा। तो देखिए सन 1900 के आसपास तीन बड़ी खोजें हुई, ठीक है, जब उन खोजों के प्रैक्टिकल रिजल्ट्स को समझाने की कोशिश की गई क्लासिकल फिजिक्स, जो फिजिक्स हमारे पास पहले तक थी उसकी सहायता से, तो हम उन रिजल्ट्स को समझाने में, या जो उस जो लोग उस टाइम काम कर रहे थे, जो साइंटिस्ट, उन रिजल्ट्स को समझाने में सफल नहीं हो पाए। ठीक है, अब देखो आपको पता है, आप पढ़ के आए हैं कुछ चीजें, आपको पता है क्या क्या थी वो खोजें। फर्स्ट तो था आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव, ठीक है। सेकंड आपका ब्लैक बॉडी रेडिएशन, कृष्णिका विकिरण, एंड थर्ड इज कॉम्पटन इफेक्ट। ये तीन खोजें उस टाइम की ऐसी थी जिनको चिरसम्मत भौतिकी के द्वारा नहीं समझाया जा सका, जिनके जो प्रैक्टिकल रिजल्ट्स मिले उनके द्वारा नहीं समझाया जा सका। तो एक नई फिजिक्स की आपको जरूरत महसूस हुई कि कुछ तो करेक्शन होना चाहिए, कुछ नया आना चाहिए, तब आपके क्वांटम की स्टार्टिंग हुई है। ठीक है, तो क्वांटम की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, आपके इन तीनों इफेक्ट से। आपके जो फाइनल ईयर में क्वांटम में जो फर्स्ट यूनिट है उसका नाम है ओरिजिन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम भौतिकी का विकास, क्वांटम यांत्रिकी का विकास। उसमें हमें ये तीनों इफेक्ट ही पढ़ेंगे हम, अभी हम यूनिट की बात नहीं करने, अभी मैं आपको जनरल डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ क्वांटम का। ठीक है, तो सबसे पहले जब फर्स्ट यूनिट अभी हम स्टार्ट करेंगे उसमें हम इन्हीं पर चर्चा करेंगे। बस आपको ये ध्यान रहना चाहिए कि ये वो फिनोमिना थे उस टाइम के जिनके लिए क्वांटम को विकसित किया गया। ठीक है, अब देखिए हम क्वांटम पे आगे चर्चा करें या इन इफेक्ट्स पे चर्चा करें, उससे पहले हम कुछ चीजों पे चर्चा करना चाहते हैं। एक तो आपको ये पता होना चाहिए जब हम काम करते हैं, जैसे डी ब्रोगली ने क्या कहा कि प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है, कण प्रकृति भी होती है और तरंग प्रकृति भी होती है। अब उन्होंने तो कह दिया द्वैत प्रकृति के लिए, उन्होंने आपको एक इक्वेशन भी दे दी, लेमड़ा इज इक्वल्स टू एच अपॉन पी। ठीक है, अब कण प्रकृति भी होती है, तरंग भी होती है, हमें जब काम करना हो, आप जिस प्रकृति के साथ काम कर रहे हैं, तो हमें तो यहाँ मैथमेटिक्स की रिक्वायरमेंट होती है, हम कौन सी समीकरण काम में लें, हम कौन सी इक्वेशन काम में लें। तो देखिए इक्वेशन हमेशा डेफिनेशन से आती है। आप देखिए हमने क्वांटम का विकास कहां से पढ़ा, प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत से, और प्लैंक ने क्या कहा, प्रकाश का एमिशन और एब्जॉर्प्शन छोटे छोटे पैकेट्स में होता है, पैकेट मींस क्या हो गया आपके पार्टिकल, और इसकी इक्वेशन क्या दी उन्हें, ई इज इक्वल्स टू एच न्यू। तो जो आपके ये ई इज इक्वल्स टू एच न्यू है, ये आपके प्रकाश की कण प्रकृति को दर्शाती है। ठीक है, ध्यान रखना ई इज इक्वल्स टू एच न्यू प्रकाश की कण प्रकृति को दर्शाती है। जब भी हमें प्रकाश की कण प्रकृति में काम करना होगा, आप समीकरण कौन सी काम लोगे, ई इज इक्वल्स टू एच न्यू। और तरंग प्रकृति के लिए आप पहले से समीकरण यूज करते आ रहे हैं, जो हम पुरानी यूज करते हैं विस्थापन के लिए, y इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी, और y इज इक्वल्स टू ए कोस ओमेगा टी, और y इज इक्वल्स टू ए टू दी पावर आयोटा ओमेगा टी।
ये तीनों समीकरणों में से आप कोई सी भी यूज कर लेते हो तरंग प्रकृति के लिए। अब ऐसा नहीं हम रेंडमली उठा के कोई सी भी ले लेते हैं, ठीक है, इनका भी लॉजिक है कि आप कब कौन सी यूज करोगे। देखिए वाई इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी आप कब यूज करोगे, आपको पता है साइन का ग्राफ कैसे बनता है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। आप जानते हैं कोस का ग्राफ कैसे बनता है, कुछ इस तरीके से बनता है। अब देखिए कब हम कौन सी यूज करें, अगर हमें पहले से पता हो जो घटना घट रही है उसके बारे में, अगर आप पहले से कुछ जानकारी रखते हो और आपको पता है कि एट टी इक्वल्स टू जीरो डिस्प्लेसमेंट क्या रहा होगा, जीरो, ठीक है, एट स्मॉल टी इज इक्वल्स टू जीरो वाई इक्वल्स टू जीरो, तो ये कौन सा ग्राफ सेटिस्फाई कर रहा है आपका, साइन वाला, क्योंकि साइन वाले की स्टार्टिंग कहां से हो रही है आपके, जीरो से। अगर टी इक्वल्स टू जीरो पर वाई इक्वल्स टू जीरो है तो फिर आप कौन सा यूज करोगे, साइन वाला यूज करोगे डिस्प्लेसमेंट के लिए तरंग प्रकृति में, ठीक है। और अगर एट टी इक्वल्स टू जीरो वाई इज इक्वल्स टू मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना है आपके, मैक्सिमम है, तो फिर हम कौन सा यूज करेंगे, कोस वाला, क्योंकि जीरो पर कोस की वैल्यू कितनी होती है आपके, मैक्सिमम होती है, ठीक है। लेकिन कई घटनाएं ऐसी होती है कि हमें पता ही नहीं होता है कि टी इक्वल्स टू जीरो पर डिस्प्लेसमेंट जीरो रहा होगा या मैक्सिमम रहा होगा, फिर हम क्या करें, फिर हम ये आपका थर्ड वाला सॉल्यूशन काम में लेते हैं। क्यों, क्योंकि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से आप जानते हैं ई टू दी पावर आयोटा थीटा इज इक्वल्स टू कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है, कोस और साइन दोनों इन्वॉल्व हैं, और जब आप डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन लेते हो तो आप इनके साथ कुछ कॉन्स्टेंट्स काम में लेते हो, ए बी सी डी एक्सेट्रा कुछ भी, ठीक है। तो जब हमें पता नहीं है कि टी इक्वल्स टू जीरो पर क्या रहा होगा तो हम कोस और साइन दोनों फैक्टर काम में लेते हैं ई टू दी पावर आयोटा की फॉर्म में। अब ये काम बाउंड्री कंडीशंस का होगा कि कोस एलिमिनेट होगा या साइन एलिमिनेट होगा, ये आपका सॉल्यूशन किस फॉर्म में आएगा वो काम कौन करेगा, बाउंड्री कंडीशन। फिर हम बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे, बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करके आप जो कॉन्स्टेंट साथ में लेके चल रहे हो सॉल्यूशन में, आप उन कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू फाइंड करोगे, जिस कॉन्स्टेंट की वैल्यू जीरो में चली जाएगी वो फैक्टर क्या हो जाएगा आपके, एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी कण प्रकृति की बात होगी तो क्या होगा आपके, ई इज इक्वल्स टू एच न्यू, जब तरंग प्रकृति की बात करेंगे तो आपके पास ये इक्वेशंस हैं, इन इक्वेशंस की फॉर्म आपके, आपको ध्यान हो तो ये भी हो सकती है, वाई इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है, इसको प्रारंभिक कलाकोण बोलते हो आप, प्रारंभिक कलाकोण, कलाकोण क्या बताते हैं आपके, फेज एंगल, फेज एंगल बताते हैं आपके डिफरेंसेस, डिले बेसिकली, प्रारंभिक कलाकोण जिसको आप इपोक भी बोलते हो, इपोक इनिशियल एंगल क्या बताता है आपकी, डिले बताता है कि पहले के रिस्पेक्ट में दूसरी कितनी आगे चल रही है कितनी पीछे चल रही है, तो वो सिर्फ उसकी बात है, बाकी सॉल्यूशन का आपके फॉर्म एक ही है। अब इसकी बात कर लेते हैं कि हम कहते हैं डी ब्रोगली ने आपके ये इक्वेशन दी, ये किसकी है, डुअल नेचर की, द्वैत प्रकृति की, ठीक है, पार्टिकल नेचर भी होता है और वेव नेचर भी होता है, तो इस इक्वेशन को देख के हमें कैसे पता चल रहा है कि ये डुअल नेचर की इक्वेशन है, तो देखिए क्या लिखा है, लेमड़ा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, एच क्या है आपका, प्लैंक कॉन्स्टेंट, तो मैं इसको इसी फॉर्म में लिख लू, लेमड़ा प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन पी, जहां लेमड़ा क्या है आपका, वेवलेंथ, तरंग दैर्ध्य, और पी क्या है आपका, लीनियर मोमेंटम, रेखीय संवेग। आप देखिए तरंग दैर्ध्य की बात हमेशा किसके लिए होती है, तरंग के लिए, वेव के लिए, वेवलेंथ की बात किसके लिए होती है, वेव के लिए, और लीनियर मोमेंटम की बात किसके लिए होती है, पार्टिकल के लिए, दोनों को एक साथ रिलेट कर दिया प्रोपोर्शनलिटी से, इसलिए ये इक्वेशन किसकी है, डुअल नेचर की। अब देखिए दोनों क्या है, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मतलब अगर पी इंक्रीज होगा तो लेमड़ा डिक्रीज होगा, और अगर लेमड़ा इंक्रीज होगा तो पी डिक्रीज होगा, मतलब दोनों नेचर के सी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब समझ रहे हैं आप, एक बार में काम एक ही नेचर पे होगा, जैसे ही एक नेचर इंक्रीज होगी दूसरी नेचर क्या होगी, ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगी, और ऐसा ही बोहर ने होमोजेनिटी प्रिंसिपल दिया है, समांगता का सिद्धांत, जिसमें बोहर ने कहा है कि जब हम क्वांटम मैकेनिक्स में काम कर रहे होंगे, किसी भी फिनोमिना को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे होंगे, तब आप दोनों नेचर एक साथ काम नहीं ले सकते हैं, आपको केवल एक ही नेचर में काम करना पड़ेगा, क्योंकि जब जो नेचर प्रभावी होगी दूसरी नेचर क्या हो जाएगी, अप्रभावी हो जाएगी, कहने का मतलब या तो काम कण प्रकृति के साथ ही होगा या काम तरंग प्रकृति के साथ होगा, ऐसा नहीं है कि दोनों प्रकृति एक साथ मिक्स होकर चली जाए। इसी वजह से जो आपके
कृष्णिका विकिरण जो हम अभी बात कर रहे थे, प्रकाश विद्युत प्रभाव, क्वांटम प्रभाव, उसको क्लासिकल फिजिक्स नहीं समझा पाई। क्यों? क्योंकि क्लासिकल फिजिक्स किस पे काम करती थी? केवल तरंग प्रकृति को मानती है। वहां जो भी प्रकाश का उत्सर्जन अवशोषण होता है वो कैसा होता है? सतत। फिर प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत से हमने E=hν कण प्रकृति लेकर हमने उसको एक्सप्लेन किया है, जिसकी चर्चा हम यूनिट 1 में नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, थैंक यू।